दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में। और आपने टाइटल और थंबनेल देखा, आज का जो वीडियो है थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों हम लोग का ये टॉपिक नहीं है और आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से जो है आज का जो दिन आप लोग के साथ शेयर कर पा रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों मैंने ले लिया है यहाँ पे लैपटॉप, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये HP का लैपटॉप है, जिसको मैंने 17 अगस्त को इवनिंग यानी कि परसों मैंने इसको परचेस किया है ऑफलाइन मार्केट से। और इसका क्या प्राइस है ऑनलाइन में इसको मैंने खरीदने के पहले चेक भी नहीं किया, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इन सब चीज़ों को ऑफलाइन में ही कर दे तो ज़्यादा बेटर है। तो अब जो है दोस्तों आपको वीडियो क्वालिटी और इंप्रूव मिलने वाला है, और एडिटिंग में मैं थोड़ी कोशिश करूंगा इंप्रूव करने की। फोन से दोस्तों उतना हो ही नहीं पाता, अगर हम चाहे 5 मिनट का वीडियो है उसको एडिट करके स्टार्ट करें एंड करते तो वो पॉसिबल ही नहीं है फोन से। हालांकि इसको मुझे उतना यूज करने भी नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते सारा कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे दिखाते हैं एडिटिंग का जो ग्राफिक्स वगैरह होना चाहिए वो सारा कुछ इसमें अवेलेबल है, और आप लोग नीचे कमेंट में बताना कैसा है ये, प्रॉपर काम करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि मुझे लैपटॉप के बारे में उतना जानकारी नहीं है। ये दोस्तों लैपटॉप का डब्बा है और मैं इसका मॉडल आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं HP का ये लैपटॉप है, 15S EQ500AU करके इसका मॉडल है। AMD Ryzen का इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है, 512 GB इसमें SSD है, विंडोज 10 के साथ 15.6 इंच डिस्प्ले है, और रैम जो है इसका 8 GB है। प्राइस की बात करें तो इस डब्बे में प्राइस तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ है, लगभग 52,000 के आसपास इस पर लिखा हुआ है, लेकिन पड़ा जो है मुझे 48,500 के आसपास। ओके, तो लैपटॉप की बात करें दोस्तों तो अब हम लोग इसे निकालते हैं डब्बे से बाहर, और इसका वेट जो है लगभग दोस्तों वो है 1.74 kg। तो ये रहा दोस्तों अपना ब्रांड न्यू लैपटॉप, और ये जो है हमारा चार्जिंग केबल है तो इसको फिलहाल हम लोग साइड में रखते हैं। और इस साइड की बात करें तो एक हमारा USB केबल, एक नहीं दो यहाँ पे USB केबल मिल जाता है, और ये चार्जिंग के लिए है। और इस साइड की बात करें तो मे बी ये कार्ड रीडर के लिए है, और हेडफोन के लिए, और इस साइड पता नहीं क्या क्या है। तो अब दोस्तों हम लोग करते हैं लैपटॉप को ओपन, तो अंदर से दोस्तों कुछ इस तरह का हो जाता है, और यहाँ पे HP की ब्रांडिंग है, और इसका कलर जो है रियली कूल है। और यहाँ पे देख सकते हैं रेडियन का इसमें ग्राफिक्स यूज़ किया गया है, जो एडिटिंग के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। Ryzen 5 का इसमें प्रोसेसर है, और इधर HP का आपको WhatsApp सपोर्ट मिल जाता है, जो बहुत अच्छी बात है। तो अब हम लोग करते हैं फाइनली इसको ओपन, और SSD होने का यही फ़ायदा है, कुछ भी जो एक्शन होता है वो थोड़ा यहाँ पर फास्ट होता है। तो 2 से 3 सेकंड में अभी टाइम लगा और ये पूरी तरीके से रेडी टू यूज़ हो चुका है। और जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे वंडर से फिल्मोरा यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, जो कि एडिटिंग के लिए बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर माना जाता है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों अपने यहाँ पे लैपटॉप हो जाता है। तो बस दोस्तों यही सब है, कुछ कैसा है आप लोग नीचे कमेंट में बताना, और मैं हमेशा आप लोग के कमेंट भी चेक करता हूँ, जिन्होंने भी फर्स्ट लाइक फर्स्ट व्यूज़ फर्स्ट कमेंट किया। जो भी लोग अभी वीडियोस देख रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, मेरी तरफ से दोस्तों हमेशा कोशिश रहती है कल का जो वीडियो होगा वो आज के वीडियो से बहुत गुना बेहतर होना चाहिए। और हमारा ये टॉपिक भी नहीं था, लेकिन फिर भी दोस्तों आप लोग के साथ शेयर करने का मन किया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।